डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई YouTube चैनल पेपर टेक्नोक्रेट्स। टूडे आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द चार्ल्स लॉ इन गैसेस। आइडियल गैसेस में चार्ल्स लॉ क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। So, B proportional to T, V upon T equal to constant K. If initial volume and temperature are V1 and T1 and final volume and temperature are V2 and T2, then according to the Charles law, the formula is V1 upon T1 and V2 upon T2. Is नियम के हिसाब से, ये नियम ये कहता है कि अगर हम किसी भी गैस का, किसी भी आइडियल गैस का प्रेशर को कांस्टेंट रखें और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा और टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसीलिए बी प्रोपोर्शनल जो टी है उसका मतलब यही है कि अगर हम एक में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे इसका रिलेशन है। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहे अगर तब। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।